अगले साल से राजस्थान में अलग से पेश किए जाने वाले कृषि बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार इस संबंध में खेती किसानी से संबंधित लोगों से चर्चा करके उनकी राय ले रही है। इसी कड़ी में जयपुर में संभाग स्तरीय बजट पूर्व चर्चा आगामी 11 दिसंबर को होगी। कृषि बजट के लिए पत्र एवं ईमेल के माध्यम से भी लोग अपने अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया है कि मुख्यमंत्री की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य में कृषि का बजट अलग से पेश किया जाएगा। कृषि बजट तैयार करने की प्रक्रिया में राज्य स्तर पर कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि विभागों से संबंधित पक्षों व प्रगतिशील किसानों के साथ चर्चा बैठक होगी। उससे पहले सभी संभाग मुख्यालयों पर संभाग स्तरीय बजट पूर्व चर्चा बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक बीकानेर संभाग में 3 दिसंबर, जोधपुर में 7 दिसंबर, उदयपुर में 9 दिसंबर, जयपुर में 11 दिसंबर और भरतपुर में 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। अजमेर संभाग की बैठक 25 नवंबर को आयोजित की जा चुकी है। वहीं कोटा संभाग की तारीख अभी आगे तय की जाएगी। लालचंद कटारिया ने बताया है कि बैठक में प्रतिभागी कृषि बजट के लिए अपने सुझाव एवं विचार रखेंगे, जिन्हें बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। खेती से जुड़े लोग कृषि आयुक्त, पंत कृषि भवन, जनपद जयपुर के पते पर पत्र लिखकर या फिर ईमेल के माध्यम से भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। ईमेल पर भेजना है agribudget@rajasthan.gov.in पर आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। यहां मिलने वाले प्रमुख सुझावों को राज्य स्तरीय बजट पूर्व चर्चा बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने यह भी बताया कि इन बैठकों में कृषि, पशुपालन, कृषि विपणन, राजस्थान वेयरहाउस कॉरपोरेशन, सहकारिता, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, जल संसाधन, कृषि विश्वविद्यालय आदि कृषि से संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व होगा। इनमें संबंधित संभाग के सभी जिलों से प्रगतिशील किसान, प्रगतिशील पशुपालक, कृषि प्रसंस्करण के काम से संबंध रखने वाले लोग, कृषि उद्यमों के प्रमुख प्रतिनिधि एवं सिंचाई जल प्रबंधन इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा प्रगतिशील मत्स्य पालक, कृषक उत्पादन संगठन FPO के प्रतिनिधि एवं सहकारी समितियों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। साथ ही संबंधित संभागीय आयुक्त, संभाग मुख्यालय के जिले के जिला कलेक्टर, संबंध विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारी व संभाग एवं जिला स्तर पर संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारी भी भाग लेंगे। कृषि विभाग इन बैठकों के आयोजन का नोडल विभाग होगा। वहीं राजस्थान सरकार देश में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश करने की कोशिश में जुटी हुई थी। इसमें बाजी तमिलनाडु ने मार ली। द्रमुक ने भी अलग कृषि बजट लाने का चुनावी वादा किया था, इसलिए वहां राज्य सरकार ने 14 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा में पहला विशेष कृषि बजट पेश किया। अब राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।